नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लंबे समय के बाद दिल्ली से पटना लौट आई है। रविवार की शाम पटना पहुंचने पर राबड़ी देवी ने एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच उपजे विवाद पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों में कोई लड़ाई नहीं, असली लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू के अंदर है। वहीं राबड़ी देवी ने यह भी दावा किया है कि विधानसभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के जीत सुनिश्चित है। आरजेडी को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि पार्टी लोगों के दिल में है। मैडम लालू जी कैसे हैं? तबीयत कैसी है? बहुत दिन बाद आ पाई। अच्छा है। कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा जीतेंगे? दो दो सीटों में चुनाव हो रहा है, जीतेगा आरजेडी? आरजेडी जीतेगा मैडम, आरजेडी जीतेगा, दोनों जगह से जीतेगा, दोनों जगह जीतेंगे। अच्छे हैं, इलाज हो रहा है। इलाज कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा जीतेंगे? दो सीटों में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।